अटेंडेंस हम गेट करेंगे, अब जाहिर है वो तो सालों की अटेंडेंस होगी पीछे, तो मुझे कितनी गेट करनी है वो मैं एक पेज करके करूँगा। तो पेजिनेशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम पेजिनेशन पढ़ लेते हैं ज़रा। अच्छा, पेजिनेशन हम किस पे लगाएंगे? ऑब्वियसली ये जो हमारा होम पेज है जिस पे हम ये ट्वीट सारी की सारी लोड करके लाते हैं, ये अभी क्या होता है कि जितनी भी ट्वीट्स हैं ना एक ही दफ़ा में लोड हो जाती हैं, लेकिन असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए। असूलन ये होना चाहिए कि जब मैं पहली दफ़ा ट्वीट का पेज खोलूं, फीड का या जो भी पेज खोलूं, तो लेटेस्ट जो मेरे पास है या जो भी क्राइटेरिया है मेरा, उसमें लेटेस्ट 100 आ जाए उठ के या 10 आ जाए, डिपेंडिंग ऑन कि क्या मेरा केस है, मे बी 500 आ जाए पहली दफ़ा में, लेकिन एक पॉइंट पे जाके मुझे नीचे एक बटन रखना होगा कि नेक्स्ट पे वो चले ना। तो ये काम कैसे करते हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा, ट्वीट फीड के ऊपर ना ये पॉपुलेशन लगा हुआ नहीं था, ये मैंने अभी लगाया। ये जस्ट 3 लाइन का कोड है जो पॉपुलेशन का हमने लास्ट पढ़ा था, तो वो मैंने लगाया। उससे क्या होगा कि ये ट्वीट ना मेरे पास जब डेटा यहाँ पे गेट होगा फ्रंट एंड पे, तो इसमें ऑनर को भी ना वो पॉपुलेट करके ला रहा होगा। बावजूद इसके कि हमने ये चीज़ देखा था कि हम ये नहीं करते हैं MongoDB में, पॉपुलेशन अब कोशिश करते हैं हम ना करें, हम डीप दूसरा वाला काम करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इसमें पॉपुलेशन लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये ऑनर की जगह पे ये पूरा ऑनर की आईडी की जगह ना पूरा ऑब्जेक्ट बन के आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, बंदे का नाम भी डिस्प्ले करवाएंगे, और हाँ अभी मुझे याद आया फ़ोटो अपलोड करना हमने नहीं सीखा, हमने वो करना था कि मुझे याद दिलाना, तुम लोगों की जिम्मेदारी है ये, भूलना नहीं। वेल, हम कोशिश करते हैं आज हम पेजिनेशन के साथ फ़ोटो अपलोड करने को भी निपटा लें। ठीक है, वैसे तो फायरबेस पे अपलोड करना आ गई तुम लोगों को, लेकिन एक्सप्रेस के सर्वर पे कोई भी फाइल या कोई भी फ़ोटो कैसे अपलोड करोगे? भाई मैं सोच रहा था, क्या मैंने सोचा हुआ था, ये दो चीज़ें आज हमने कोशिश करनी है निपटा लें। अगर नहीं कर सकूँ तो नेक्स्ट मुझे याद दिलाना कि फ़ोटो अपलोड सिखाना है। अच्छा, तो ये ऑनर की जगह मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, पहले तो आके मैं डिस्प्ले करवा दूंगा जो मेरे home.jsx के ऊपर, ये मेरा home.jsx है। मेरे पास दो पेजेस हैं, एक होम है एक प्रोफाइल है, सही है। तो होम के ऊपर जो मैंने जो चीज़ डिस्प्ले की हुई है वो फीड है। अच्छा, फीड में हम क्या करते हैं, रिगार्डलेस कि वो किस यूज़र का है, बच्चों थोड़ा इधर देख लो, फिर बाद में फिर पता नहीं चलेगा तुमको कि कैसे हुआ। रिगार्डलेस कि वो ट्वीट किस बंदे की है, मैं उसको गेट करता हूँ, और मैं गेट करके क्या बोलता हूँ, सबको डिस्प्ले करवा दो टाइम के हिसाब से। हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि ये जो फीड की क्वेरी होती है उसमें डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, जो किसकी प्रायोरिटी ऊपर है किसकी कम है, जो पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और यूट्यूब का पूरा सर्च एल्गोरिथम इसके ऊपर खड़ा होता है, लेकिन हम वो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट ये करेंगे कि जिस सीक्वेंस में पोस्ट हुआ उसी सीक्वेंस में हम लेकर आए उसको। अच्छा, तो ज़रा home.jsx पे देख लेते हैं उसको डिस्प्ले कैसे करवाया हुआ मैंने। ये मैप चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा वार्म अप दे दूँ आपको। अच्छा, उसके बाद मेरे पास tweet.text है जो h2 में लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये टेक्स्ट किस में देना है, मैं पैराग्राफ में दे देता हूँ h2 करके। मैं उस बंदे का नाम दिखा देता हूँ जो क्या है, ऑनर है, तो मैं बोलूँगा ऑनर डॉट फर्स्ट नेम, और इसका लास्ट नेम भी है ऑनर का, नहीं फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, वो दोनों सेम आता है। वो हमने साइन अप की API में ना वो गड़बड़ की हुई है, वो एक ही नेम लेते हैं और पीछे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को सेम रख देते हैं, तो वो डबल डबल लिखा हुआ होता है इस वजह से। वेल, तो ये मैंने H2 में बंदे का नाम लिख दिया, उसके नीचे उसकी ट्वीट का जो टेक्स्ट था वो मैंने दिखा दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है मैं क्या ये कर सकता हूँ कि लोकल ऐप को मैं आप लोगों को दे दूँ और आप लोग इस पर ट्वीट करें दमादम? इसके लिए मुझे शायद इसको होस्ट करना ज़रूरी है लोकल पे, तो नहीं, अगर मैं आपको IP दूंगा ये वाली, बट ये पोस्ट मारेगा लोकल उस 3000 पे, लोकल उस 5000 पे जिस पे मेरा सर्वर चल रहा है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। सही है, तो हम उसका कुछ करते हैं, अभी कोई ऐसी सेटिंग करते हैं कि आप सब लोग इस पे अकाउंट बना लें साइन अप करके, और सब लोग आप पोस्ट करें, और फिर हम यहाँ पे, ताकि पेजिनेशन का फिर रियल मकसद समझ आएगा कि यार वो वाकई में चल कैसे रहे। अच्छा, ये दो चीज़ें हमने डिस्प्ले करवा दी, ज़रा इसकी हम शक्ल देख लेते हैं क्या हुआ, इसको एरर हो गया, एरर में क्या हुआ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइन ऑफ फर्स्ट नेम। अच्छा, फर्स्ट नेम नहीं आता इसमें, रिस्पांस में क्या आता है फिर, आ तो रहा है फर्स्ट नेम एरर, ऑनर डॉट फर्स्ट नेम, सही तो यार, मसला क्या है इसमें?
ईच ट्वीट डॉट ओ डब्ल्यू एन ई आर ऑनर डॉट फर्स्ट, सही तो है। इसमें नलिश ऑपरेटर लगा देता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहा है। अच्छा नलिश ऑपरेटर ना कोशिश करना कि लगा दो जब भी डेटाबेस से कोई चीज़ उठकर आ रही हो ना या एपीआई कॉल से आ रही हो, तो नलिश ऑपरेटर लगा दोगे ना तो वो एरर नहीं देगा। लास्ट नेम की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी है, एल ए एस टी एन ए एम ई, यार सही तो लिखा है। अच्छा अभी आ गया है भाई, दो में ऐसा पता नहीं क्यों हुआ। वेल ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, नलिश ऑपरेटर के बगैर भी इसको सही दिखना चाहिए था। वेल मे बी समटाइम वो इसकी कंपाइलेशन ना स्टक हो जाती है, तो वो मे बी वो स्टक हो गई होगी इसलिए हो रहा था। अच्छा ये ट्वीट और टेक्स्ट हमने देख लिया, इसमें बटन शटन कुछ बने? बस ये बटन सही है, दिख रहे हैं हमें एडिट और डिलीट के। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले तो बहुत सारे ट्वीट्स क्रिएट करना है, सही है। तो पहले इसमें बहुत सारे ट्वीट्स को क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि पेजिनेशन का क्या सीन चल रहा है। अच्छा इसमें मैं वो भी लगा देता हूँ ना, टाइम भी मेंशन कर देता हूँ कि ये कितने बजे की पोस्ट है, ताकि क्योंकि टेक्स्ट तो ऐसे ही रैंडम ही है और एक ही बंदे का टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सारा, तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ, मैं टाइम भी मेंशन कर देता हूँ। टाइम मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर पहले तो इम्पोर्ट कर लेंगे मोमेंट को, सही है मोमेंट कर लिया मैंने, और नीचे आके फिर मैं क्या बोलूँगा कि क्रिएटेड ऑन मिलता है ना मुझे इसके साथ, क्या मिलता है, क्रिएटेड ऑन करके मुझे टाइम मिलता है। तो मैं यहाँ पे ना ट्वीट के टेक्स्ट से पहले एक यहाँ पे मैं एक और डिव बना दूँगा, और इसमें मैं बोलूँगा, कोड दिख रहा है वैसे तुम लोगों को, थोड़ा मैंने जूम आउट किया हुआ था शायद, मोमेंट करके, और इसमें वो दे दूँगा मैं ईच ट्वीट डॉट क्रिएटेड ऑन, और क्रिएटेड ऑन के अंदर क्रिएटेड ऑन और डॉट करके मैं लगाऊंगा फॉर्मेट। मुझे क्या चाहिए फॉर्मेट इसका, किस फॉर्मेट में टाइम दिखे मुझे, फ्रॉम नाउ में दिखे, बल्कि फॉर्मेट क्यों, फ्रॉम नाउ सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम नाउ क्या चीज़ होता है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि कितने टाइम अगो वाला सीन है ना। तो ये देखो ऐसे लिखा हुआ आ गया कि अ मिनट अगो, और फिर अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो जो पुरानी पोस्ट है कल वगैरह की, टू मिनट अगो और सेवन डे अगो, और ऐसे करके ये पूरा इसने कैलकुलेट कर दिया। अब ये एयर्स तक, मंथ तक, सब तक जाता है ये, लेकिन एक सर्टन पॉइंट पे आके हम क्या करते हैं, जैसे सेवन डे अगो करके हम शायद 15 डे अगो तक जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अ मंथ अगो तक शायद जाए, बट साथ में मुझे फिर सर्टन पॉइंट के बाद ना एग्जैक्ट डेट दिखानी पड़ती है, ठीक है, हम बहुत आगे तक नहीं जाते। तो इसको आप ईजिली कंडीशनल कर सकते हैं कि अगर ये वाला इससे ज़्यादा पुराना है, मतलब उसमें डेट का कंपैरिजन भी है ना मोमेंट में ही, तो आप बोलेंगे कि यार डेट अगर मेरी 7 डे से ज़्यादा पुरानी है तो फिर साथ में डेट भी मेंशन करो, मतलब 1 मंथ अगो तो लिखा हुआ रहा और साथ में डेट भी आ रही हो, या सिर्फ डेट आ रही हो, डिपेंडिंग ऑन के क्या आपको लगता है कि बेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म के हिसाब से। अच्छा तो हमने ये इसको डिस्प्ले कर लिया, अब हमारे पास देखो अभी राइट नाउ जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर हमारे पास 27 ट्वीट्स आती हैं इस रिस्पॉन्स के अंदर ना, ठीक है। अच्छा ये 27 तक तो कोई इशू नहीं होगा, 2700 तक भी शायद कोई इशू ना हो, लेकिन उसके बाद फिर जो है ऑब्वियसली इशूज़ शुरू हो जाएंगे। अच्छा तो हम ये देखते हैं कि बाकी वेबसाइट वाले इसका क्या हल निकालते हैं। तो मैं अगर गूगल पे जाके लिखता हूँ कार और मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखो जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो एक सर्टन नंबर तक आते हैं, उसके बाद नीचे ये पेजिनेशन लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है, वो पेजिनेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं कि जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, अच्छा अभी तुम गौर करना ये जो साइट पे सर्च ये बना हुआ है ना स्क्रॉल बार बना हुआ है, इस पे गौर करना, सही है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो नीचे की पोस्ट ना अभी देखो ये लोड करेगा, एक्चुअली कर ली इसने, तो एक सर्टन पॉइंट पे ना जब मैं 50% लोड स्क्रॉल कर लेता हूँ ये स्क्रॉल बार चेंज होगा एक सर्टन पॉइंट पे जाके,
देखो चेंज हुआ, और अगर मैं बहुत स्पीड में स्क्रॉल कर लूँ ना तो वो मुझे दिख भी जाता है लोडिंग होता हुआ, देख रहा हूँ, दिख रहा है लोडिंग होता हुआ दिख जाता है मुझे। तो ये भी पेजिनेशन है, बट जस्ट इसकी अप्रोच डिफरेंट है। अप्रोच डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि ये सेंस कर लेता है कि बंदा जो है ना स्क्रॉल करके पेज के बॉटम पे आ गया। अच्छा, अब ये सेंस करने का जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही सिंपल सा एक तरीका होता है कि कोई भी एलिमेंट होता है ना, जो वो जब व्यू पे दाखिल होता है तो आपको एक इवेंट मिलता है। इवेंट सब लोगों ने पढ़ा है बहुत डिटेल में हमने। तो कोई भी एलिमेंट ना, आपने कहा यार एक स्पैन है, तो आपने उसको क्या किया, पेज के लास्ट में बना दिया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं ये मैप जो चल रहा है, क्या हुआ इसको जाना, ये मैप जो चल रहा है मेरे पास, अब जाहिर है ये मैप कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है जाके। अब मैं यहाँ पे एक आधा स्पैन लगा दूंगा ऐसे, ठीक है, और इस पर मैं इवेंट लिस्ट, तो जाहिर है अब जब तक वो पूरी लिस्ट मैं स्क्रॉल नहीं कर देता, ये स्पैन में जो लिखा हुआ है ABC, ये मेरे व्यू में दाखिल नहीं होगा, सही है ना। तो ये जैसे ही मेरे व्यू में दाखिल होता है तो मुझे एक इवेंट मिलता है, उस इवेंट पे मैं मज़ीद चीज़ें लोड करवा के उसके लास्ट में ऐड करवा दूंगा लगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़, अच्छा बाय द वे वो लास्ट में नहीं रखते, वो 70% पे रखते हैं। अब 70% पे भी आप बहुत ईजिली रखवा सकते हैं, जैसे ये इंडेक्स है ना, ये जो इंडेक्स है आपका आई मिलता है ना आपको जब आप मैप चलाते हैं, तो अब इस इंडेक्स को आप कंपेयर करवा सकते हैं जो टोटल ट्वीट्स की लेंथ है इस वक्त, उससे कंपेयर करवा के आप ये पता लगा सकते हैं कि 70% किस पॉइंट पे आता है। तो आप मैप के दरमियान में कहीं पे भी इस स्पैन को प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे मैन्युअली करने की ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि इसके लिए ना लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं बहुत सारी रिएक्ट को लेकर, रिएक्ट के कंपोनेंट्स बने हुए हैं। इसको इनफाइनाइट स्क्रॉल करके आप करोगे ना सर्च, तो आपको बहुत ईजिली मिलेगा, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट सर्च में क्या होता है कि आप वो एक सर्टेन कंपोनेंट होता है उसके अंदर रह के आप ये काम कर रहे होते हैं, और वो कंपोनेंट जैसे ही अपने 70% पे पहुंचता है तो आपको एक इवेंट मिलता है, और इवेंट पे आप क्या करते हो, मज़ीद डेटा लोड करवा लेते हो। अच्छा, तो एक तो ये केस हो गया कि भाई हमने क्या करना है, डेटा पहली दफ़ा में हमने ज़्यादा डेटा लोड नहीं करवाना होता, डिपेंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा हम वो लोड करते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अभी वो करना कैसे है वो तो अभी आगे की कहानी है ना, पहले थ्योरी समझ लो कि होता क्या है और क्यों होता है। तो पहली दफ़ा जब पेज लोड होगा तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा लोड करेंगे हम, डिपेंडिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड आवर केस। उसके बाद जैसे ही वो बंदा नीचे स्क्रॉल करके आएगा तो आया यहाँ पे या तो बटन होगा या तो इनफाइनाइट स्क्रॉल टाइप की कोई चीज़ होगी जिससे मज़ीद डेटा लोड होगा। मज़ीद डेटा जब लोड होगा तो हम क्या कर रहे होंगे, API कॉल करेंगे, ऑब्वियसली एक ख़ास अंदाज में API कॉल करेंगे, तो वो शुरू के 100 छोड़ के अगले 100 आएगा, या शुरू के 10 छोड़ के अगले 10 लाएगा। हम ला के जो हमारा स्टेट है जो, उसी के आखिर में ला के उसको अटैच कर देंगे और हमारा वही मैप आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो बात, वही मैप हमारा आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर यूज़र और नीचे गया, 100 लोड हुआ, 200 लोड हुआ, 300 लोड हो गया, अब वो लोड स्क्रॉल करता जा रहा है बंदा, ये जो डेटा के जो स्टेट है ना आपकी, या कोई भी वेरिएबल है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हो, स्टेट वेरिएबल है ना एक, तो वेरिएबल कोई भी जो जावास्क्रिप्ट में बना हुआ होता है वो जगह कहाँ लेता है, रैम मेमोरी में जगह लेता है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से जो ट्वीट के अंदर, एक तो ये ऑब्जेक्ट है ना, जेसन ऑब्जेक्ट है, इसका तो साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब ये इसके अंदर ट्वीट का टेक्स्ट है, ट्वीट की इमेज है, बंदे की इमेज है, बंदे का नाम है, बहुत कुछ है, वो इमेज जब SRC में लगता है ना मैप चलते हुए, तो वो ज़ाहिर है इमेज भी लोड होती है। अब वो जो इमेज लोड हुई है वो कहाँ है, वो भी रैम मेमोरी में, वेरिएबल की सूरत में तो नहीं है लेकिन है वो रैम मेमोरी, स्क्रीन पर जो कुछ भी ना वो सब रैम मेमोरी में होता है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे क्या करवाना पड़ेगा, उसको जो नीचे मैं 100-100 करके उठाता जा रहा हूँ ना, हर दफ़ा लाता जा रहा हूँ, तो वो नीचे से जो मैं लगाता जा रहा हूँ ना, ऊपर से मुझे माइनस भी करवाना पड़ेगा। बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं है ये, समझ रहे हो। तो हमें आमतौर पर क्या करना पड़ता है, जब जहाँ पर हम पेजिनेशन करते हैं वहाँ पर हमें ऊपर से उसको कट ऑफ भी करना पड़ता है, ठीक है। और बहुत ही स्पेशलाइज्ड केसेस के अंदर जब बंदा वापस स्क्रॉल करता है ना, तो हम ऊपर की साइड भी इनफाइनाइट स्क्रॉल लगाते हैं और नीचे की साइड भी लगाते हैं, समझ रहे हो। हमें जो है, चलो भाई जल्दी जाओ जल्दी जाओ, मैं ये बता रहा हूँ ना, सुन तो लो। अच्छा देखो, इनफाइनाइट स्क्रॉल की थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्ट्रैक्शन हो गई काफ़ी। तो हमने क्या सीखा, पहली दफ़ा हम API कॉल करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा आएगा, जैसे ही बंदा नीचे जाएगा
नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, मजीद डेटा आएगा उसी के नीचे अटैच हो जाएगा, मजीद डेटा आएगा उसी के नीचे अटैच हो जाएगा। अभी अटैच होते होते एक टाइम आएगा कि मेरा डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेरी रैम मेमोरी में जगह इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो मैं अपने पेज को एफिशिएंट, क्योंकि देखो अगर गूगल क्रोम पे कोई अगर पेज है क्या ना, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम क्या करता है समटाइम उस पेज को सस्पेंड भी कर देता है। या अगर टैब चेंज किया ना आपने तो वापस आओगे तो वो पेज रीलोड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको मेमोरी से हटा देता है गूगल क्रोम। तो हम असल में मेमोरी जो बचा रहे हैं ना, वो हम इसलिए नहीं बचा रहे कि यूज़र की रिसोर्सेज, हम इसलिए बचा रहे हैं कि गूगल क्रोम हमारा पेज उड़ा ना दे मेमोरी से। ठीक है, हम इतनी मेमोरी यूज़ करें जितनी हमें रिक्वायर्ड है, उतनी हम यूज़ करेंगे ना कम से कम, तो गूगल क्रोम हमें रिफ्रेश नहीं करेगा, वो रखेगा मेमोरी में उसको। अदरवाइज़ वो अगर ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ की हुई होंगी तो हम जैसे ही टैब छोड़ के मूव करेंगे या विंडो छोड़ के मूव करेंगे, वो फ़ौरन हमारे पेज को मेमोरी से हटा देगा, जैसे ही बंदा वापस आएगा पूरा पेज रिफ्रेश होगा नए सिरे से। तो हम इसलिए कर रहे हैं, मेन पर्पज़ हमारा ये है, और एफिशिएंसी भी हमारी अच्छी रहेगी। मिसाल के तौर पे कुछ वेबसाइट ऐसी होती है आप खोलते हैं, आप कहते हैं यार क्या वाहियात खुली है ना। सही है, फेसबुक वाज वन ऑफ दोज वेबसाइट्स फ्यू डेज़ अगो, मतलब फ्यू डेज़ का मतलब है 4-5 साल पहले, फेसबुक जब आप खोलते थे तो वो आपकी कंप्यूटर की अच्छी खासी रिसोर्सेज इस्तेमाल करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप देखें वो बिल्कुल लाइट वेट हो चुका है। ठीक है, 4-5 साल पहले में और अभी में बहुत डिफरेंस है। इसी तरीके से स्काइप जो है, स्काइप आप किसी भी कंप्यूटर में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खोलेंगे ना, चाहे वेब वाला हो चाहे वो डेस्कटॉप वाला हो, वो अजीब ही उसके अंदर एक मसला है, वो बिल्कुल स्लो लोड होता है, बिल्कुल स्लो चलता है, पता नहीं क्या उनका मसला है। ठीक है, तो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस का भी सबब बनता है ये, आप करके देखिएगा। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत स्लो चलती हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट का ये स्काइप भी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है एक, अभी आप उसको खोलेंगे ना, टीम्स का आपको किसी ने लिंक भेजा, आप खोलेंगे वो पता नहीं कितने दिन लगा देता है खुलने में, तो बहुत स्लो चलता है। जूम और गूगल मीट ऑन अदर हैंड बहुत लाइट वेट है, तो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस का भी सबब बन सकता है अगर आपका पेज बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो नीचे जब हम लाके ऐड करते जाएंगे तो मेमोरी हमारी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। अच्छा, उस कंजम्पशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से कट ऑफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जब बंदे ने 3 या 4 या 5 पेज पर पहुँच जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो कि कितना डेटा आप एक वक्त में लोड करवा सकते हैं, अगर बहुत ही लाइट वेट डेटा है तो शायद आप 10-12 पेज के बाद ये करेंगे। तो आप क्या करते हैं, जो आपका स्टेट होता है ना उसमें जैसे नीचे ऐड कर रहे होते हैं, तो नीचे ऐड करते वक्त आप ऊपर से उड़ा भी देते हैं। ये आता है ना मैनिपुलेशन, एरे की मैनिपुलेशन है जस्ट, और तो कुछ भी नहीं है। तो ये काम ना हमें करना पड़ता है। अब ये करते कैसे हैं वो हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। अच्छा, हम ऊपर से उड़ाने वाला काम भी कर लेंगे कुछ केसेस में, बहुत स्पेशलाइज्ड केसेस में। जैसे इन्होंने कहा कि हम वापस जाते हैं तो डेटा वहीं होता है अपनी जगह, वो असल में ये हो रहा होता है कि जब हम वापस स्क्रॉल करते हैं ना तो ऊपर की साइड पे भी इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा हुआ होता है जो रिवर्स में चल रहा होता है, कि जैसे ही आप वापस जाने लगते हैं तो वो नीचे से उड़ाता है और ऊपर से डेटा लेकर आके आपको दिखा रहा होता है। समझ रहे हो, ये हम काम इस क्लास में नहीं करेंगे लेकिन कुछ केसेस में आपको ये करना पड़ सकता है। अच्छा, मोबाइल ऐप्स के अंदर ना इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट होता है, वो करता क्या है, वो करता ये है कि आपको कुछ कोड नहीं लिखना पड़ता। ये मैं iOS की बात कर रहा हूँ, iOS की जो स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट होता है, वो ये करता है कि जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो आप पेजिनेशन लगाते रहते हैं नीचे, वो आपको कुछ नहीं बोलता, आप लगाते रहो, ऊपर से ना वो खुद उड़ाता है, ऊपर की जो चीज़ जो व्यू पे नहीं है ना उसका जो जेसन है या जो भी डेटा है उसका, उसको उठा के वो फाइल में स्टोर कर देता है। ठीक है, फाइल में स्टोर करता है उसको और आपको पता नहीं चलता, वो डिटेल में आप जाएंगे तो शायद आपको पता चले, वरना वो कहीं लिखा हुआ भी नहीं उन्होंने सामने। जब आप रिवर्स बैक करते हैं ना, यानी स्क्रॉल बैक करते हैं जब आप, तो वो क्या करता है, उसको फाइल से उठा उठा के वापस उधर लाता है। यानी रैम मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान ना उन्होंने एक ऐसा स्ट्रीम बनाया हुआ है जो बहुत सीमलेस है, पता नहीं चलता आपको। ठीक है, और फॉर द वेरी रीज़न कि उनके पास हार्ड ड्राइव जो लगी हुई होती है ना आईफोन के अंदर, जो SSD हार्ड ड्राइव होती है वो बहुत फास्ट होती है। इसमें भी जो मैकबुक में भी इन्होंने हार्ड ड्राइव लगाई है ना, वो बहुत फास्ट है, ऑलमोस्ट रैम जितनी स्पीड है उसकी। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ये वेब में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती, वेब में हमें ये खुद से करना पड़ता है, और बहुत कम केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत स्पेशलाइज्ड केसेस में, जैसे फेसबुक जैसे केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फेसबुक अगर आप 2 घंटे तक स्क्रॉल, जैसे यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं, आप जितना मर्जी स्क्रॉल करते हैं ना कुछ भी नहीं होता उसको, क्योंकि वो जो ऊपर कर रहे हैं ना वो असल में ऊपर नहीं जा रहा, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप रिवर्स करेंगे आएगा उसी सीक्वेंस में वो, समझ रहे हो। तो इसी तरह का कुछ वहाँ पे मैकेनिज्म सेटअप किया हुआ होता है जिसकी वजह से वो ना लाइट वेट भी रहता है और वो चलता भी रहता है सीधा सीधा। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सर्वर पे जाके जो मैंने क्वेरी लगाई हुई है ना, ये जो क्वेरी मैंने सेट की हुई है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। ये MongoDB की जो क्वेरी है,
मैंने कहा भाई 100 लेकर आओ। अब 100 को ना मैं करा देता हूँ 5, क्योंकि मेरे पास ट्वीट है टोटल 27। तो मुझे उस 27 में डेमॉन्स्ट्रेशन करनी है, इसको मैं 5 कर रहा हूँ कि एक वक्त में 5 लोड हो सिर्फ, स्किप 0। अच्छा, अगली दफ़ा में क्या होगा, यहाँ पे जब ये API में अगली दफ़ा कॉल करूँगा तो मुझे फिर क्या करना होगा, मुझे अगली दफ़ा में करना होगा कि लोड तो फिर भी 5 ही करूँगा मैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा स्किप करो 5 और फिर लोड करके 5 लाओ। तो उसका मतलब है कि शुरू के 5 छोड़ेगा, उसके बाद वाले 5 लाएगा। उसकी अगली API में मैं बोलूँगा 10 को स्किप करो, उसकी अगली API में बोलूँगा 15 को स्किप करो, सही है, तो ऐसे होगा ये। अच्छा, अब ये जो स्किप वाला पैरामीटर है ना, ये मुझे यूज़र से चाहिए होगा, यानी जब जब वो नेक्स्ट का बटन दबाए ना, तो ये पैरामीटर मुझे चाहिए होगा कि ताकि मुझे सर्वर पे पता चले कि कितने पेज पे वो पहुंचा हुआ है बंदा। ये पेज जो मैं मतलब ये पैरामीटर जब मैं लाऊंगा फ्रंट एंड से, तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ, इसको क्वेरी पैरामीटर के अंदर ले लूँ। क्वेरी पैरामीटर वो होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के होते हैं ना, क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू और इसके आगे एक नंबर हो मेरे पास, ठीक है, इस तरह करके मैं ले लूँ। URL पैरामीटर्स में भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो शायद बेहतर तरीका नहीं है। उसके अलावा बॉडी में भी आप छुपा के भी ला सकते हैं, ठीक है, बॉडी में लाएंगे तो अब यूज़र को पता नहीं चलेगा कि क्या सीन है, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर में लाने का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर वो लिंक कॉपी करके किसी को भेजेगा ना, तो वो डायरेक्ट बंदा उसी पेज पे पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट लिखा हुआ ना पेज इक्वल्स टू, तो वो डायरेक्ट बंदा उसी पेज पे पहुंचेगा। मतलब तो डिपेंडिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो, आप ये 3 पॉसिबल जगह होती है सर्वर पर डेटा रख के भेजने की, क्वेरी पैरामीटर, URL पैरामीटर और बॉडी, ठीक है, हेडर वगैरह में भी भेज सकते हैं डिपेंडिंग, लेकिन ये 3 जगह है जहाँ पे लोग रख के ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मैं कहाँ पे रखूँगा, मैं क्वेरी पैरामीटर में रखूँगा। अच्छा, क्वेरी पैरामीटर में रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फ्रंट एंड के कोड में जो home.jsx है, home.jsx में जाके ना जहाँ पे ये मैप मेरा ख़त्म होता है वहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, एक अदद बटन लगा दूँगा मैं, और इसके ऊपर क्या लिखूँगा मैं, नेक्स्ट पेज, एक ये बटन लगा दूंगा मैं, या लोड मोर का पेज बटन बना दूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, लोड मोर का बटन बनाने पे मैं क्या करूँगा कि ऑन क्लिक पे इसके एक फंक्शन चलाऊँगा मैं, लोड मोर, सही है। अब ये जो फंक्शन मेरा चलेगा लोड मोर, ये मैं ऊपर बना भी लेता हूँ ये फंक्शन, कि ये फंक्शन होगा कैसा, आ गया वो, चाहिए तो फॉर्म में क्या ना हमारा पूरा, अबे कितना कुछ बना दिया हमने यार भाई, ये गेट ऑल ट्वीट है ना, इसी के जैसा ही कोड होगा एक्चुअली इसका ना, डिलीट ट्वीट, काफ़ी कुछ हमने बनाया हुआ ऊपर, सही है। मैंने कहा कॉन्स्ट लोड मोर इक्वल्स टू अ फंक्शन, सही है। अच्छा, लोड मोर जो होगा ना मेरा, यहाँ पे मेरे पास एक स्टेट भी होनी चाहिए, मेरे पास लोकल, जो स्टेट मुझे बता रही होगी कि यार अभी आप कौन से वाले पेज नंबर पे पहुँच गए हो। मैंने कहा कॉन्स्ट पेज और सेट पेज मे बी इक्वल्स टू यूज स्टेट, और मैं कहूँगा यार फिलहाल ये 0 है, पेज जो है ना मेरा 0 है। और ये गेट ऑल ट्वीट का ही एक्चुअली सारा कोड होगा, तो मैं इसी को ही कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये एक ही फंक्शन होता है, ये 2 फंक्शन नहीं होते, तो अभी हम 2 बनाते हैं, बाद में उसको मर्ज कर देंगे, क्योंकि वो पैरामीटर शुरू में पहली दफ़ा में 0 जाता है वो, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ट्वीट फीड जो कि मेरा वो है, मैंने कहा क्वेश्चन मार्क और पेज, और पेज लगा के ना मैं बोलूँगा इक्वल्स और इसके आगे ये वाला, यार मेरी लाइन ज़्यादा लंबी हो गई ना, ठीक है, ये जो स्टेट में रखा था मैंने 0, तो ये क्या होगा, पहली दफ़ा जैसी ही API कॉल होगी ना, तो ये 0 उसमें चला जाएगा। पहली दफ़ा में तो खैर ये कॉल नहीं हो रही, ओके, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क होता है ना क्वेरी पैरामीटर में, तुम वो याद कर रहे होगे जो हम वेदर ऐप में करते थे, क्यू इक्वल्स टू ऐसे करके, वो तो क्वेरी के लिए शॉर्ट था ना क्यू, हम भी जो मर्जी हम कहें पी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो पेज पूरा रख देते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ पे नाम क्या रखते हैं, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी का।
इसको मैं दो लाइनों में ब्रेक कैसे कर सकता हूँ? हाँ हो गया। अच्छा अभी मैं ये देख रहा हूँ इसको नंबर को इंक्रीज कौन से पॉइंट पे करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है अच्छा ये अब इसमें भी जाएगा, यहाँ पे भी ना अब ये जाएगा। ठीक है या हम ये कर सकते हैं सर्वर पे एक लॉजिक लगा दें कि अगर ये पेज नंबर अनडिफाइन मिले ना तो ज़ीरो कंसिडर करो उसको, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, हम कहेंगे यार यहाँ से ज़ीरो जाएगा ये कि पेज ज़ीरो उठा के लाना है लोड ऑल ट्वीट पे। हाँ ये स्टेट तो बना हुआ है लेकिन मैं कौन से पॉइंट पे इसको क्या लोड मोर से पहले मैं इसको बढ़ा दूँ इंक्रीज कर दूँ ये बेस्ट रहेगा या इसके रिस्पॉन्स आने पर इसको मैं बढ़ा दूँ? मेरा ख्याल है इसके रिस्पॉन्स आने पे उसको बढ़ाना चाहिए मुझे, है ना। अच्छा तो मैंने इसको फिर मुझे पेज प्लस फाइव करना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है अच्छा एक तरीका इसका और भी होता है कि जो मेरे पास ट्वीट्स करके स्टेट है ना इसकी लेंथ मैं उठा के भेज दूँ सीधा सीधा, क्योंकि इस तरह से फिर ये एक स्टेट एक्स्ट्रा बनाने से भी बच जाता हूँ, तो ये भी तरीका बेहतर है। ठीक है तो मैं काम करता हूँ इसकी लेंथ भेज देता हूँ उठा के, मैंने कहा ट्वीट डॉट लेंथ। ठीक है ओके और यहाँ पे भी अब जो मैंने ज़ीरो रखा हुआ है यहाँ पे हार्ड कोडेड इसको भी मैं क्या कर देता हूँ ट्वीट्स डॉट लेंथ कर देता हूँ। ठीक है तो अब तो ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम हो गए, कोई फ़र्क नहीं है दोनों फंक्शन में। ठीक है तो एक्चुअली ये फंक्शन एक ही होगा, ये फंक्शन दो नहीं होगा, सही है। तो मैं वो लोड मोर के बटन पे भी ना यही फंक्शन दोबारा कॉल करवाऊंगा एक्चुअली, सही है। लोड मोर पे मैंने ये गेट ऑल ट्वीट्स का ही फंक्शन दोबारा कॉल करवा दिया है, बट अब की बार क्या होगा क्योंकि ट्वीट्स का जो एरे है मेरा अब की बार वो ज़ीरो नहीं है, पाँच है अब की बार, वो तो वो पाँच ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसके बाद अगली दफ़ा दस ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है अच्छा एक फ़र्क होगा, लेकिन एक फ़र्क ये होगा कि जो मैं सेट ट्वीट करवाता हूँ ना इस तरीके से तो पुराने को रिप्लेस कर रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे उसको वो करना पड़ेगा कॉनकैट वाला कि पहले जो कुछ है उसको कॉनकैट करो। तो उसका जो बेहतर तरीका है वो हमारे पास वो ये है ना, प्रीवियस वैल्यू ऐसे मिलती है हमें और प्रीवियस वैल्यू में मैं रिटर्न कर देता हूँ कि प्रीवियस को ऐसे डॉट डॉट करो और कॉमा और अभी जो डेटा आया उसको यहाँ रखवा दो, है ना। इस पर भी मुझे डॉट डॉट लगाना होगा राइट, इस पर भी क्योंकि ये भी एक एरे है ना, तो इस पर भी मुझे डॉट डॉट लगाना होगा। ये भी एरे है पांच आइटम का और ये भी एरे है पांच आइटम का, तो अब ये इस तरह कॉनकैटिनेट होंगे, सही है। इसमें सही लिखा है ना ये मैंने तुम लोग बताओगे ना, अब तो यार सारे सीनियर हो गए वहाँ पर, इसमें कोई एरर तो नहीं है, है? अच्छा एक चीज़ मैं इसमें देखना पड़ेगा हमें कि इसको मुझे शुरू में कॉनकैट कराना है या लास्ट में कॉनकैट कराना है, ये मैप में जाके पता चलेगा मैंने मैप कैसे चलाया हुआ है। मैप हमने चलाया हुआ है लेटेस्ट फर्स्ट, लेटेस्ट वाले को टॉप पे रखा है ना हमने, तो अब जो ट्वीट आ रही है वो क्या है, वो बाद वाली है, तो सही है लेटेस्ट वाला पहले है तो ये इसी तरह ही होगा। ठीक है अगर हमने ओल्डेस्ट वाले को टॉप पे किया होता तो ये फिर अपोजिट होता, ये प्रीवियस को बाद में लगाता उसको पहले लगाता हूँ, सही है। तो ये वाला काम हमारा बेहतरीन हो गया। अब इसको मेरा ख्याल है चला के देखा जाए। अच्छा एक इसमें लोडर भी मुझे लगाना चाहिए आइडियली, कुछ एरर वेरर आए हुए हैं यहाँ पर, क्या हुआ भाई? अरे भाई कैसे कैसे एरर दे दिए इसने, असल में यार मुझे लगता है ना ये कुछ इसमें गड़बड़ है, लिंक चेंज नहीं हुआ, असल में हम बार बार एडिट कर रहे होते हैं ना तो वो कंपाइल बार बार होते होते पता नहीं स्टक हो जाता है फिर ये। इनफाइनाइट लूप कहीं चल रहा है ना जब ही, तो यार मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है ये। अच्छा टू चिल्ड्रन विद द सेम की आ रहा है ना, टू चिल्ड्रन विद द सेम की,
और वो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक में भी शायद कुछ गड़बड़ की है, ये मैंने कॉल सिग्नेचर लगा दिया ना जो कि नहीं लगाना होता है, बताओ ना यार। असल में मैं अभी एक जावास्क्रिप्ट की भी क्लास पढ़ा रहा हूँ ना बैक टू बैक, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट मिक्स होती रहती है थोड़ी, ठीक है। रिएक्ट में कॉल सिग्नेचर नहीं लगाना होता, वो रिएक्ट खुद कॉल करता है। अब ये तो ऑब्वियसली अब नया टैब ही खुलेगा तभी सही होगा, ये ऐसे तो ये सही नहीं होगा। हाँ सेट हो गया। अच्छा एरर अभी भी कुछ है भाई? दादा क्या एरर है भाई इसको? नहीं चल तो नहीं रहा, अब तो खुद रुक गया है वो, लेकिन एरर वो कह रहा है टू चिल्ड्रन विद द सेम की, ये एरर क्यों दिया इसने? ऐसा है, मैंने क्या कर दिया? टू चिल्ड्रन मैंने की में पास की है वो आईडी, अंडरस्कोर आईडी। ओके अच्छा, नहीं असल में की तो मैंने दिया सिर्फ एक को ही है, ये डुप्लीकेट लाइन नंबर देखते हैं कौन से पे कह रही है। कह रहा है दिस इज यूनिक, ये तो सब पे ही दे रहा है कि कह रहा है यूनिक होना चाहिए। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए उसको ये दे देता हूँ, इंडेक्स इंडेक्स दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं। वो अंडरस्कोर आईडी डबल डबल क्यों बता रहा है? ये ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, दबल पता नहीं क्यों हो रहा है। हम एक दफ़ा ज़रा रिस्पॉन्स में देख लेते हैं कि इन सबकी जो यूनिक है ना आईडी, सबकी आईडी यूनिक है यार, एक जैसी कहाँ है? पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है उससे। अच्छा एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यार ये 10 क्यों लोड हो रहा है? मैंने तो 5 बोला था वहाँ से, मैंने तो 5 बोल के भेजा था ना यार वहाँ से लिमिट। अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं किया हुआ, यहाँ से मुझे ज़ाहिर है वो पैरामीटर पकड़ना होगा। मैंने कहा कि कॉन्स्ट पेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज, सही है ऐसा ही है ना, और 0 अगर पेज अनडिफाइन मिल जाए तो 0। और मैंने कहा कि ये जो स्किप है ना इसमें ये बात पास कर दो, सही है 5 लोड करना है और ये स्किप में ना ये वाली बात मैंने पास कर दी है। अच्छा वो मेरे समझ आ गया वो 10 क्यों आ रहा है, वो रिएक्ट में सम टाइम होता है ना कोई चीज़ डबल चलने लग जाती है, ये वो वाला चक्कर हो रहा है। अब कौन सी चीज़ डबल चल रही है? हाँ वो 10 आए हैं अभी भी पूरे, ये रहा ना रिस्पॉन्स भी 2 दफ़ा आ रहा है हर चीज़। यार इसका मैंने एक सॉल्यूशन देखा था कहीं पे, वो कह रहे थे कि वो हटा दो ना इसका स्ट्रिक्ट, पता नहीं है क्या चल रहा है। नहीं इंटरसेप्टर की वजह से नहीं है वो यार, इंटरसेप्टर से क्यों होगा? वो कह रहा था स्ट्रिक्ट मॉड इसका हटा दोगे ना तो वो ये हो जाएगा, ये डेवलपमेंट में ही होता है प्रोडक्शन में नहीं होता ये। अब देखते हैं, अब रिस्पांस देखो सही 1 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ यार अब सेट हो गया। इसका किसी को कोई प्रॉपर सॉल्यूशन पता हो तो मुझे बताना यार। स्ट्रिक्ट मॉड जो है वो असल में जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट मॉड, तो वो पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि वो क्या करता है। अच्छा भाई तो हमारे पास ये पहला पेज लोड हो चुका है, अब हमने क्या करना है, लोड मोर का बटन प्रेस करना है और हमारे पास क्या हो गया, ये मज़ीद डेटा आ गया। और मैं लोड मोर प्रेस करूँगा तो हमारे पास मज़ीद डेटा आ जाएगा, और लोड मोर प्रेस करूँगा तो और डेटा। यार क्या हो रहा है इस तरह से, खुद ही आवाज़ बढ़ रही है कम हो रही है, पता तो नहीं चल गया अमेरिका अमेरिका वालों को पता चल गया है। उनको पता चल गया कि उनका ट्विटर हम बंद कराने वाले हैं।
सही है। अच्छा ये 27 की 27 पोस्ट मेरी अब लोड हो चुकी है, तो अब ना देखो लोड मोर का बटन दबाने से क्या होता है, यहाँ पे एम्प्टी डेटा आता है, तो ज़ाहिर है स्क्रीन पे भी कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। सही है मैं नीचे गया, लोड मोर का बटन दबाया, ये 5 और आ गए, लोड मोर दबाया 5 और आ गए, लोड मोर दबाया 5 और आ गए, लोड मोर की और। सही है बस ये इधर ख़त्म हो गया। अब लोड मोर दबाने से API कॉल हो रही है, बट वो क्या हो रहा है वहाँ से मज़ीद डेटा नहीं आ रहा। अच्छा जब मज़ीद डेटा आना बंद हो जाता है या मुझे पता चल जाता है जब कि हाँ यार अब मज़ीद डेटा नहीं आ गया, तो मैं इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टेट बना सकता हूँ कि EOF कहते हैं आमतौर पे इसको ना, तो मैं EOF करके उसको ट्रू करा लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार अगर EOF ट्रू है ना तो मज़ीद API कॉल ना करो। ठीक है जस्ट अगर मेरे पास सर्वर की API कॉल अगर मुझे महंगी पड़ती है, ज़ाहिर ऑब्वियसली एक रिसोर्स है जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स उसको अगर एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो एक एक API कॉल अगर एक्स्ट्रा लग रही है ना एक यूज़र के पास से, तो 1 मिलियन API कॉल बनती है। ठीक है तो सर्वर की रिसोर्स हमेशा कीमती होती है, तो मैं यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन होता है कि अगर मैं देखता हूँ कि जो रिस्पॉन्स है ना अगर वो खाली आ रहा है सामने से, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं एक इफ़ लगा दूँगा और एक स्टेट ऊपर बना सकता हूँ। मैं स्टेट में बना देता हूँ कि भाई EOF। सही है और सेट EOF, और मैंने कहा कि यार EOF जो है फ़िलहाल जो है वो फॉल्स है। सही है तो EOF को मैंने फ़िलहाल क्या रखा हुआ है, फॉल्स रखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक इफ़ लगाऊंगा कि यार जैसे ही मेरे पास क्या हो जाए जो response.data.data.length अगर इक्वल्स हो जाए 0 के, सही है तो आप क्या कर दोगे सेट EOF को ट्रू करा दोगे आप। ठीक है कि एंड ऑफ फाइल हो चुका है, यहाँ पे EOF करवा दिया मैंने, और मैं इस फंक्शन की पहली लाइन में एक इफ़ लगा दूँगा कि इफ़ EOF, तो यहाँ से आप क्या कर दो रिटर्न कर दो इसको, मज़ीद API कॉल नहीं करने देनी आपको। तो अब इससे ऐसा करने से क्या होगा, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और हम नेटवर्क्स में जाते हैं ताकि हमें API कॉल नज़र आ सके। ये मैं पहला पेज लोड हो चुका है, मैंने लोड मोर दबाया एक API कॉल लगी मज़ीद डेटा आ गया, एक और दबाया एक और API कॉल लगी मज़ीद डेटा आ गया, एक और दबाया और डेटा आ गया, और दबाया और डेटा आ गया, एक और दबाया और डेटा आ गया। सही है अब की बार जब मैं दबाऊँगा ना तो एक API कॉल हुई है जिसमें जो एम्प्टी एरे आया, अब ये लोड मोर दबाने से ना मज़ीद API कॉल नहीं होगी। अच्छा इसको अगर मैंने मज़ीद इन्हेंस करना है ना तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं एक एक दफ़ा करके 5-5 पेज मंगवाता हूँ ना, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर रिस्पॉन्स 5 से कम आया तो उसको EOF कर दो। ठीक है लेकिन उसमें फिर हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पेज हम कितना मंगवाते हैं। ठीक है इस केस में ना मेरा बिल्कुल डायनेमिक है, मैं सर्वर से एक चेंज करूँगा ना 25, तो पहली दफ़ा में 25 आने लग जाएगा। ठीक है फ्रंट एंड पे कोई ऐसी लॉजिक नहीं लगी हुई जो डिस्टर्ब हो उसकी वजह से, तो हमने ये देख लिया। अच्छा अगला काम हमने क्या करना था अब कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पेजेस लोड हो चुके हैं तो मैं क्या करूँगा ऊपर से कट भी करना शुरू कर दूँगा उसको। अच्छा ऊपर से कट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली मुझे एक अदद इफ़ लगाना होगा। उस इफ़ में मैं क्या बोलूँगा कि डिपेंडिंग ऑन के क्या आपका प्लेटफॉर्म है या क्या चक्कर है आपका, आप कहेंगे कि अगर जो है ना जो प्रीवियस जो डेटा है, ठीक है अगर जो प्रीवियस जो डेटा है उसकी जो लेंथ है अगर वो बड़ी हो चुकी है किससे 10 से, अब मेरे केस में क्योंकि टोटल 27 पोस्ट है तो मुझे कम पे खेलना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा कि यार अगर 10 से बड़ी हो गई है ना, यानी एक पेज लोड हुआ था 5 आया था, अगला पेज लोड हुआ तो 10 आ गया, अब जब तीसरा पेज लोड होगा ना तो ऊपर वाले को मैं उड़ाना चाह रहा हूँ पहले वाले को। सही है तो इसका मतलब है कि अगर प्रीवियस 10 है या उससे बड़ा है, ठीक है इक्वल्स भी लगा देता हूँ मैं कि 10 है या उससे बड़ा है अगर जो प्रीवियस वाला जो भी डेटा है, एक्चुअली ये इसके अंदर होगा एक्चुअली। सही है तो अगर लेस देन या इससे ऊपर है ना तो मैं क्या करूँगा प्रीवियस
के शुरू से मैंने 5 आइटम उड़ाने हैं, कौन मुझे बताएगा कि ये कैसे होगा काम? नहीं, ट्वीट डॉट लेंथ नहीं लिखूंगा मैं, ये प्रीवियस डॉट लेंथ लिखूंगा। असल में ये ना एसिंक्रोनस होता है, तो मैं यहाँ पे ट्वीट डॉट लिखूंगा ना तो वो गड़बड़ा जाएगा वो रास्ता भूल जाएगा, मैं वो समझ नहीं आएगा। सही है, असल में ये जो है ना सेट ट्वीट्स जो ऐसे मैंने करके किया है, इसमें ये होता है कि एसिंक्रोनसली ये अपडेट होता है और प्रीवियस वैल्यू ना एग्जैक्टली वही मिलती है जो उस वक्त होती है, ठीक है। और जो सिंपल वाला होता है ना सेट ट्वीट करके सीधा वैल्यू दे दो, पुराने को रिप्लेस करने के लिए होता है, वो उसी के लिए बेस्ट है। अगर मैंने एग्जिस्टिंग वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है या एग्जिस्टिंग वैल्यू में लाके कॉन्कैट करना है नया डेटा, तो उसके लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसे ही करना होगा। मैं वो कर सकता हूँ वो वाला भी कि कॉन्कैट करके मैं डायरेक्ट कर दूँ, बट वो प्रॉब्लम करता है। अगर साइमल्टेनियसली 2-3 API इकट्ठे कॉल हो गई ना तो वो गड़बड़ा जाता है। इसमें कभी भी नहीं गड़बड़ाएगा ये, आप जितना मर्जी फ्रीक्वेंटली अगर 1 ms में 4 API कॉल कर देना, ये तब भी नहीं गड़बड़ाएगा। ये जिस सीक्वेंस में रिस्पॉन्स आएगा उस सीक्वेंस में चलेगा। अच्छा वेल, अब मुझे कौन ये बताएगा कि प्रीवियस एक एरे है उसके शुरू का मुझे 5 आइटम उड़ाना है, बेसिक जावास्क्रिप्ट है, बताओ। डॉट शिफ्ट, अबे शिफ्ट से तो एक उड़ता है ना, स्प्लाइस होगा। सही है, स्प्लाइस में मुझे क्या देना होता है? अच्छा, अगर मैं स्लाइस करूंगा ना तो फिर मैं एक नया एरे बनता है स्लाइस की वजह से ना, ठीक है, नया एरे। तो वो भी मैं कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि यार मैं बोलूँ कि यहाँ पे कॉन्स्ट न्यू प्रीवियस इक्वल्स टू और प्रीवियस डॉट स्लाइस करके उसमें से मैं स्लाइस काट लूँ, ठीक है, ये न्यू प्रीवियस बन जाएगा फिर। अच्छा, ये न्यू प्रीवियस भी मेरा फिर क्या होगा, ये बाहर होगा एक्चुअली, ये इस जगह पर होगा। सही है, मैंने कहा यार ये जो प्रीवियस था ना वो अब ख़त्म हो जाएगा, अब ये नया प्रीवियस आएगा इसकी जगह पर, और मैं बोलूँगा कि न्यू प्रीवियस जो है उसमें क्या कर दो, प्रीवियस डॉट स्लाइस मारो और 5 से शुरू करो। क्या चाहिए होता है इसके अंदर, कॉन्स्ट को लेट करना पड़ेगा मुझे, यस। अच्छा, स्लाइस को मुझे क्या पैरामीटर देने होते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्ट देना होता है और एंड देना होता है, ठीक है, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द सेक्शन ऑफ दिस और स्टार्ट मुझे देना होता है इंडेक्स की सूरत में और एंड मुझे देना होता है इंडेक्स की सूरत में। अगर एंड में नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो समझता है कि एंड आखिर तक लेना है। सही है, यही था ना, द एंड स्पेसिफाई द पोर्शन ऑफ द एरे एक्सक्लूसिव टू द एलिमेंट इंडेक्स, इफ इट इज़ अनडिफाइंड स्लाइस एक्सटेंड टू द एंड ऑफ एरे। तो बस अगर मैं यहाँ पे 5 नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, है ना, शुरू के 5 उड़ाने हैं तो 0 से लेके 4, तो 4th इंडेक्स तक मुझे उड़ाना है। तो मैं अगर 4 लिखूंगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिक शुरू के 5 उड़ जाएंगे और इधर आ जाएगा वो। सही है, देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, ये न्यू प्रीवियस फिर सेट होगा इधर भी। ओहो यार, ये क्या फॉर्म बज रहा है, ठीक है। अच्छा, न्यू प्रीवियस बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसी को प्रीव को ही बोलूंगा ना, ये प्रीवियस इक्वल्स टू प्रीवियस डॉट स्लाइस, ठीक है, नया वेरिएबल बिला वजह बनाने की जरूरत मुझे नहीं है, एक ही वेरिएबल में मेरा काम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई प्रीवियस करके ऐसे सेट होगा, और अगर तो ये केस है तो एक उड़ाते हुए भी चलो और उसके बाद यहाँ पर डालो, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एट अ टाइम मेरे पास पेज में 10 से ज़्यादा, अच्छा न्यू अभी यहाँ पर ही रखा हुआ मैंने, मेरे पास एट अ टाइम ना पेज पर 10 से ज़्यादा ट्वीट कभी भी नहीं आएंगी। मैं स्क्रॉल करके नीचे तो जाऊंगा, लेकिन एट अ टाइम मेरे पास 10 से ज़्यादा ट्वीट कभी भी नहीं होगी। सही है, और मैं यहाँ पे चलो, अभी मेरे पास टोटल 5 ट्वीट है, मैंने कहा लोड मोर, अब ये 10 हो गई है। सही है, अब ये 10 ट्वीट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं अगला लोड मोर दबाऊंगा ना तो ऊपर का 5 उड़ जाएगा, यानी ये 38 मिनट अगो वाला जो लिखा हुआ है ना, ये वाला असल में मैंने टेक्स्ट भी एक जैसा लिखा है बिल्कुल, तो वो पता लगाने का शायद कोई तरीका नहीं है इसमें। एक काम करता हूँ ना मैं, 5 1 2 3 4 5 करता हूँ मैं, 1 और 3
ओ एन ई वन, चल भाई सही है, टी डब्ल्यू ओ टू ओ। वो असल में इसलिए नहीं आ रहा कि हम पेजिनेशन पे अगले पेज पे आ चुके हैं। सही है, मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सब आएगा। अभी उसको भी हम देखते हैं कैसे हैंडल होगा। तो ये वन से लेके फाइव तक की जो पोस्ट है ना मेरे पास, ये शुरू की पांच पोस्ट है जो मुझे पेज लोड होते ही टॉप पे ये वाली आती है, क्योंकि रिसेंट है ये, सबसे रिसेंट है। तो ये वन तक है, फाइव से लेके वन तक। अब मैं लोड मोर दबाता हूँ तो इसके नीचे और पाँच आ जाती हैं। अब मैं लोड मोर दबाऊँगा ना तो ये वन से लेके फाइव वाली ये गायब हो जानी चाहिए, अगर मेरा लॉजिक सही लिखी है मैंने तो। लोड मोर दबाया मैंने, नीचे और ट्वीट्स आ गई हैं, सही है, लेकिन ऊपर से वो पाँच उड़ा दिए मैंने। अच्छा पाँच नहीं, एक रह गई है, चार उड़ी है, तो इसको मुझे पाँच करना पड़ेगा। जो मैंने फोर किया था इसको मुझे एक्चुअली फाइव करना पड़ेगा। सही है, रिफ्रेश करके अब दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सही हो गया, फाइव फोर थ्री टू वन लोड मोर, और ये हो गया। और लोड मोर मैंने दोबारा किया जैसे ही, तो ये ऊपर वाले पांच उड़ गए, गायब हो गए। सही है, अब मैं लोड मोर करूँगा मज़ीद। अब मैं जितनी दफ़ा भी लोड मोर करूँ मैं लास्ट तक चला जाऊँगा ना। सही है, मैं लास्ट तक चला जाऊँगा, बट क्या होगा यार, ये क्या हो रहा है, लोड मोर पे एपीआई कॉल वो जो है वो नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही एपीआई कॉल, ये क्या चक्कर है। एक पॉइंट पे आके तो ख़त्म हो जानी थी ना एपीआई कॉल हमारी। अच्छा ये 10 से आगे नहीं बढ़ रहा हमारा, वो 10 से आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हमने डॉट लेंथ उसका इस्तेमाल किया हुआ है एरे के लेंथ का, ठीक है, क्योंकि वो मैं माइनस कर देता हूँ तो 10 से कभी आगे नहीं बढ़ता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऊपर से उड़वाना चाहता हूँ तो फिर मैं एरे की लेंथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर मुझे स्टेट अलग बनानी होगी कि पेज नंबर कौन सा है। वेल फिलहाल मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ, जो ऊपर से उड़ाने वाला आइटम है ना इसको फिलहाल मैं कॉमेंट कर देता हूँ। तो ये बात समझ आ गई कि एक्चुअली काम हो कैसे रहा है, ठीक है, कि वो ऊपर से उड़ेगा कैसे, वो हमें बात समझ आ गई है, लेकिन उसका स्टेट एक्चुअली फिर अलग बनेगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये ख़त्म हो गया और एपीआई कॉल भी स्टॉप हो गई। अच्छा ये केस टू केस वेरी करेगा ऑब्वियसली, जो मैंने अभी तो बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक बनाया है। अच्छा ये लोड मोर की जगह पे ना अब इनफाइनाइट स्क्रॉल लगाने की बारी है हमारी, ठीक है, अगर मे बी हमें कोई ढंग का मिल जाए। React Infinite Scroll, ठीक है, Infinite Scroll कंपोनेंट एक यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, ये देखो Infinite Scroll करके ये एक मेरे पास लेंथ है, और डेटा की लेंथ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट कब कॉल करना है वो बताऊँगा मैं, उसकी जगह पे लोडर कैसा आना चाहिए वो बताऊँगा, और जब ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए वो बता दूंगा इधर मैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, पुल टू रिफ़्रेश क्या अलाउ होना चाहिए कि अगर पुल करके छोड़े बंदा तो रिफ़्रेश हो जाए, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे। स्क्रॉल टू टॉप का इन्होंने बनाया हुआ है, और ये इनका लाइव एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या रिपोर्ट है इनकी लाइव एग्जाम्पल की। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक आदत क्या है, स्क्रॉल बार को देखना गौर से तो तुम्हें आइडिया होगा कि क्या हो रहा है। इन्होंने एक लूप चलाया हुआ है एक्चुअली इनफाइनाइट, अब जितना भी स्क्रॉल करूँगा मैं, वो जैसे ही नीचे पहुँचेगा ना वो लूप 10 दफ़ा और चल जाएगा, फिर वो 10 दफ़ा और चल जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल बनाई हुई एक्चुअली। जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ देखो फ़ौरन लोड हो गया मज़ीद, जैसे ही मैं और नीचे जाऊँगा फ़ौरन लोड हो गया ये, देखो सही है। अब इसको मैं जितना मर्जी स्क्रॉल करता रहूँ, ठीक है, अच्छा वो लूप में इन्होंने सेट टाइम आउट भी लगाया हुआ है तो मुझे थोड़ी देर लोडिंग भी दिखाता है वो, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, अभी जितना मर्जी मैं इसको करता रहूँ आगे ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली ऊपर वाला हिसाब किताब इसमें नहीं है, नहीं इनफाइनाइट स्क्रॉल की एग्जाम्पल है। इसी के साथ एक और भी है ना, उसमें वो दूसरा वाला है पुल टू रिफ्रेश, अच्छा पुल टू रिफ्रेश बाय द वे काम सिर्फ करेगा फ़ोन में, ये डेस्कटॉप पे काम नहीं करेगा वो एज़ फार एज़ आई नो, क्योंकि वो पुल टू रिफ्रेश इसमें कोई भी नहीं करता ना डेस्कटॉप में। वेल ये लाइब्रेरी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, ठीक मतलब ये कि
इसके जो ये मुझे मच सिंपलर अप्रोच लग रही है ये वाली, ठीक है। लोड मोर का फंक्शन है, दैट्स इट। हैज मोर करके उन्होंने ट्रू फॉल्स दिया हुआ है यहाँ पे। हम हैज मोर को हम दे देंगे EOF, EOF यहाँ पास कर देंगे हम, तो उसको पता चल जाएगा ये ख़त्म हो गया। तो हम एक काम करते हैं, हम इस वाले को ट्राई करते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है, ठीक है। 9 मंथ्स पहले बनी है ये और यूज़ तो काफ़ी लोग कर रहे हैं इसको, और जस्ट गिटहब में हम इसके स्टार्स देख लेते हैं। बहुत कम स्टार अगर होते हैं ना, 3.1 के, सही है, बहुत कम नहीं है, कम ही है ये अभी। अच्छा, इसने कहीं से फोर्क लिया हुआ है, ये रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल से कहीं से फोर्क लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये कहीं से फोर्क लेके, दिस रिपोजिटरी इज़ नो लॉन्गर मेंटेन्ड एंड दिस वेल। अच्छा, लाइब्रेरी चूज़ करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, कि आप 4, 5 या 6 लाइब्रेरीज़ देखते हैं, फिर उनके आप कंपैरिजन करते हैं कि किसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स जल्दी जल्दी अपडेट कर रहे हैं, कौन अच्छे से इशूज़ रिजॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें देख के आप प्रोडक्शन की लाइब्रेरी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम जस्ट एक डेमॉन्स्ट्रेशन चाह रहे हैं, तो हम रैंडमली कोई भी लाइब्रेरी उठा सकते हैं। सबसे पहले गिटहब के स्टार्स वगैरह आप देखते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार डजंट डिफाइन अ लाइब्रेरी, आपको ये भी देखना होता है कि इशूज़ कितने हैं। जैसे इस लाइब्रेरी के अगर मैं जाऊँ, जो अभी इससे पहले मैंने खोली भी थी, तो इसमें 74 इशूज़ बने हुए हैं और 120 क्लोज़ हो चुके हैं। जो सबसे नया इशू है वो 2 वीक पहले का है, और जो क्लोज़ हुआ हुआ सबसे नया इशू है वो कितने दिन पहले का है, 12 मई 2022 को इसने आखिरी इशू रिजॉल्व किया है इस लाइब्रेरी वाले बंदों ने, ठीक है। कमिट कितने फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्या रिसेंटली अपडेट आई है कोई, 13 अप्रैल 2022 को इसकी आखिरी अपडेट है, मतलब तकरीबन 1 साल होने वाला है या 7 महीने होने वाले हैं, अपडेट नहीं किया इन्होंने। अब इसके कंपैरिजन में हम दूसरा देखेंगे, फिर लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फिर हम एक आध आर्टिकल भी देख लेते हैं कि यार इनफाइनाइट स्क्रॉल की बेस्ट लाइब्रेरी अभी कौन सी चल रही है, सही है। या हम कंट्रीब्यूटर्स, कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं, तो अगर वो वाला कंट्रीब्यूटर है किसी लाइब्रेरी में तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो आपको एक लाइब्रेरी में देखना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कोई एक लाइब्रेरी होती है जो आपने कई दफ़ा यूज़ किया होता है और वो बहुत अच्छी चल रही होती है, तो फिर आप वो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देख के आप इसका इंतखाब करते हैं। वेल, इसके जो स्टार हैं वो 3.1 के हैं और सही है, मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है देखने में। इनके टेस्ट वगैरह भी सारे सही चल रहे हैं। अच्छा, टेस्ट तो लगाया ही नहीं है इन्होंने, इन्होंने तो वैसे ही लाइसेंस वगैरह लिख के लगा दिया। नहीं नहीं बस ये फोर्क में इसमें है ना डाउनलोड, तो बस सही है, फोर्क किसी से ले के किया है उसने, पूरा कोड खुद नहीं लिखा एक्चुअली। अच्छा, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद इनका जो कोड है यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, इम्पोर्ट का कोड मैंने उठा लिया, और ये भाई इम्पोर्ट हो गई लाइब्रेरी हमारी, ये मैंने लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर ली ऊपर इनफाइनाइट स्क्रॉल, और उसके बाद ये है हमारे इनफाइनाइट स्क्रॉल का, क्या चला गया, ये हमारे इनफाइनाइट स्क्रॉल का कोड है, राइट। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, ये इनफाइनाइट स्क्रॉल मैंने कहाँ लगाना है, अब ये जो इनफाइनाइट स्क्रॉल का कोड है ना मेरा, ये मैंने इस डिव की जगह पे लगाना है, ये जो डिव है ना इसको रिप्लेस करके अब मैंने उसकी जगह पे ये वाला कोड लगा देना है, इनफाइनाइट स्क्रॉल वाला, सही है। फिलहाल हम डिव को रिप्लेस नहीं कर रहे, डिव के अंदर ही लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब इस डिव को भले मैं हटा भी दूं तो मसला नहीं है, ये इस डिव की जगह पे ही आया एक्चुअली। अच्छा, ये जो इनफाइनाइट स्क्रॉल है, अब इसके नीचे जो ये बटन हुआ करता था ना, अब ये बटन नहीं होगा ऑब्वियसली, सही है। आइटम्स इन्होंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया हुआ था, तो ये इनफाइनाइट स्क्रॉल की ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। और ये जो बटन था ना मेरा, इसमें गेट ऑल ट्वीट्स करके एक फंक्शन था, जो ये मैं आप कहाँ पे दे दूँगा, लोड मोर के फंक्शन पे दे दूँगा। ये पेज स्टार्ट 0 से होता है और हैज़ मोर अभी ट्रू फॉल्स है, तो मैं इसको फ़िलहाल ट्रू रखता हूँ, लेकिन वो EOF इसको मैं पास कर सकता हूँ ना, बल्कि EOF पास कर देता हूँ ना हाथ के हाथ, ठीक है। जब लोडिंग चल रही हो तो क्या दिखाया, लोडिंग दिखा दे ऐसे लिख के, दैट्स इट, सही है। आते हैं अब ज़रा देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी। अब यहाँ पर मेरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है, क्या वजह है, क्या खोल दिया मैंने,
ऐसा इसके अच्छा जी कॉन्सोल पे कुछ एरर आए हैं नहीं पुराने एरर्स हैं। अच्छा अब ये लगाने के बाद क्या होगा, मैं नेटवर्क पे जैसे ही जाऊंगा तो आप देखेंगे मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूंगा ना तो बगैर बटन दबाए ऑटोमेटिक वो हिट हो जाएगा जो बटन पे मैंने लगाया हुआ था। नहीं हुआ हिट, व्हाई इज दैट? स्टार्ट पे जीरो EOF। अच्छा EOF मैंने शुरू में क्या रखा था, एंड ऑफ फाइल फॉल्स रखा था ना, तो इसमें नॉट लगा के देना होगा मुझे एक्चुअली। सही है, मैंने अपोजिट हैज मोर अगर मैं कर दूं तो भी ठीक है, लेकिन मैंने एंड ऑफ फाइल रखा था कि क्या एंड ऑफ फाइल हो चुका है तो शुरू में वो फॉल्स है, तो वो फॉल्स पे मैं नॉट लगाऊंगा तो वो हैज मोर बनेगा एक्चुअली, यानी अपोजिट इसकी वैल्यू है। ठीक है तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है रिफ्रेश किया मैंने और इस बार इसने एक दो तीन चार और पाँचवें पे जैसे ही मैं पहुँचाऊँ, अच्छा ये दो ये दफ़ा पहले ही हिट हो चुका है, 10 उठा के ला चुका था ये, जैसे ही नीचे किया देखो और ले आया और ले आया और ले आया ये और ले आया। सही है, यहाँ पे आके बस ये आना बंद हो गया क्योंकि अब मेरे पास क्या हो चुका है, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं हम। देखो ये वाला है ना 5 4 3 2 1 और जैसे ही स्क्रॉल किया ऐसा लग रहा है, और नीचे छोटा सा लोडिंग भी दिखा रहा है भाई, वो अगर गौर करोगे ना तो थोड़ी देर तक वो छोटा सा लोडिंग दिखाता है। सही है जी, तो ये हमने पेजिनेशन लगा लिया और उसको उसके साथ इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा के भी देख लिया कि वो इनफाइनाइट स्क्रॉल पे चलेगा कैसे। तो टाइम हमारे पास कितना है अभी, टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है। ऊपर से उड़ाने के लिए कंपोनेंट्स बने हुए हैं रिएक्ट में, लेकिन मेरे जहन में अभी कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो मतलब मैंने यूज़ किया हो या कोई ऐसी चीज़ मेरे जहन में नहीं है। सर्च करोगे तो ऑब्वियसली मिल जाएगा क्योंकि लोगों ने ये बनाया हुआ होगा। सही कह रहे हो तुम, ठीक है ये एक जनरल चीज़ है, जब एक प्लेटफॉर्म पे वो बन जाता है ना तो दूसरे पे भी लोग रेप्लिकेट कर देते हैं। ठीक है अब वो iOS पे ना उस व्यू का एक नाम होता है, स्क्रॉल व्यू होता है और एक पता नहीं कौन सा होता है। डिफरेंट स्क्रॉल व्यूज लिखूंगा ना मैं, ये हमने एक रैंडम लाइब्रेरी लगा के ना इसको कर लिया और नेक्स्ट हमें पढ़ना है फाइल अपलोड। सही है, फाइल अपलोड कोशिश तो मेरी यही थी कि आज हम कवर कर लेते लेकिन हमारे पास 15 मिनट बचे हैं लास्ट के, तो आज नहीं करते हम, कल करेंगे ये। सही है, अच्छा फाइल अपलोड में हमें ना किस चीज़ में करना है भला, ये ट्वीट में करना है कि जब बंदा ट्वीट करे ना तो वो क्या अपलोड कर सके, फ़ोटो या वीडियो, ये दो चीज़ बंदा अपलोड कर सके। ठीक है, या एटलीस्ट फ़ोटो, वो फ़ोटो और वीडियो बाद एक ही है क्योंकि जब हम बाइनरी फाइल अपलोड करना सीखेंगे ना तो वो उसी तरीके से ही होगा, मतलब एक ही तरीका है फ़ोटो करने का और वीडियो करने का। अच्छा दूसरा ये कि जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाली कि हमेशा बाइनरी फाइल मैं डेटाबेस में स्टोर नहीं करता हूँ, मैं हमेशा बाइनरी फाइल स्टोरेज बकेट में स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो स्टोरेज बकेट जो हम यूज़ करेंगे वो फायरबेस स्टोरेज के नाम से वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा उसके अलावा स्टोरेज बकेट हमारे पास जो है वो AWS S3 भी है,
ठीक है, ये गूगल और अमेजोन असल में कॉम्पेटिटर है, ठीक हो गया ना। तो ये इनकी प्राइसिंग भी थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होती है। तो AWS का S3 हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि उसको अकाउंट बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड मांगता है वो, सही है, उसके बगैर वो अकाउंट क्रिएट नहीं करने देता। गूगल में ऑन अदर हैंड फायरबेस में ये होता है कि आप अकाउंट बनाते हुए आपसे वो क्रेडिट कार्ड नहीं मांगता, तो हम इसलिए फायरबेस का जो फायरबेस स्टोरेज है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फायरबेस स्टोरेज एक अच्छा ऑप्शन है, सस्ता भी है और 5 GB शुरू में फ्री देता है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मांगता और लाइब्रेरीज भी सही हैं, ठीक ठाक हैं। सर एक प्रोजेक्ट मतलब एक जो उसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें 5 GB 5 GB देगा, देगा, हाँ। ओवरऑल मतलब प्रोजेक्ट की तो 5 GB नहीं नहीं बनाएंगे। नहीं एक प्रोजेक्ट की 5 GB है। अगर वो बाई दफे 5 GB अगर पूरा हो जाता है ना आपका, तो कुछ सेंट होते हैं वो, पर अभी देख लेंगे ना प्राइसिंग उसमें आ रही होती है, तो वो काफ़ी चीप है मतलब। प्रोजेक्ट मतलब फायरबेस स्टोरेज प्राइसिंग लिखूंगा ना मैं, तो ये आ गई प्राइसिंग। ये रहा क्लाउड स्टोरेज, तो ये 5 GB आपको स्टोर जो है ना वो 5 GB वो फ्री है आपका। GB डाउनलोडेड ना, 1 GB पर डे डाउनलोड कर सकते हैं आप, यानी एक दिन में अगर 1 GB डाउनलोड हो गया ना वहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा वो। और अपलोड ऑपरेशन जो है वो 20K हो सकता है, 20,000 अपलोड ऑपरेशन हो सकते हैं पर डे, ठीक है। 20,000 अपलोड ऑपरेशन के अंदर आप, अब अपलोड की इसमें लिमिट नहीं बताई हुई, डाउनलोड की लिमिट बताई हुई है लेकिन। अच्छा, उसके अलावा डाउनलोड ऑपरेशन हो सकते हैं 50K। 50K डाउनलोड का मतलब है कि अगर आपकी इमेज 100 KB की इमेज है ना, और जाहिर है जब बंदा पेज खोलेगा ट्वीट का तो 100 100 KB की 20 इमेज लोड हो गई, तो 20 डाउनलोड ऑपरेशन हो गए आपके। इस तरीके से अगर 50,000 पूरे हो गए ना एक दिन में, या 1 GB पूरा हो गया, जो पहले पूरा हो जाएगा रुक जाएगा वो। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो डेटा है वो 1 GB का है पूरा, तो वो जैसे ही डाउनलोड होगा ना आपका, इमेज खुलेगी 1 GB वाली, तो बस वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। या इमेजिन करें कि 100 MB का डेटा है आपका, तो वो 100 MB का जो डेटा है ना वो अगर पेज पे अगर 10 सीधा सीधा लोड हो गया या 12 लोड हो गया तो बस वहाँ ख़त्म हो जाएगा वो। और अगर साइज़ बहुत छोटा है आपका, बिल्कुल 1 KB की इमेज है, तो 50,000 KB पे ख़त्म हो जाएगा वो, समझ रहे हो। तो जो पहले पूरा हो जाए, या 50K पर डे या वो वाला। अच्छा, अब आगे देखो क्या सीन है इसका। अगर 5 GB पूरा हो जाता है ना आपका, तो $0.026 जो है पर GB आपसे ये चार्ज करेगा। तो देख लेते हैं ये हमारे में कितना बन रहा है, तकरीबन 6 रुपये पाकिस्तानी जो है अभी ये रेट के हिसाब से चार्ज करेगा ये पर GB जो स्टोर हुए हैं आपके, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये 5 GB को आपने 500 GB पे पहुंचा दिया, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये तकरीबन $100 बनेंगे आपके। ये वंस चार्ज करेगा या मंथली? एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ होगा ना इन्होंने, ये मंथली, नहीं पर GB पर मंथ है या पर GB है जस्ट, मेरे हिसाब से वो पर GB है जस्ट स्टोर्ड है, हाँ वंस चार्ज करेगा ये आई थिंक। लेकिन ये जो GB डाउनलोडेड है ना, ये आपके कंटिन्यूसली चार्ज करेगा, ये कंटिन्यूसली चार्ज करेगा आपसे, जितना डाउनलोड करते जाओगे उतना चार्ज करेगा, क्योंकि पे एज यू गो है। अच्छा वेल, अगर पर GB पर मंथ भी करता है तो ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि 500 GB की आपसे सिर्फ ये $100 चार्ज कर रहा है महीने के, तो नथिंग। आमतौर पर क्या होता है कि आप 5 GB से पहली बात तो ऊपर नहीं जाते, अगर आपका छोटा मोटा यूज़ केस है तो 5 GB के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन अगर 5 GB से आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे आपने कोई सोशल मीडिया टाइप की या OLX टाइप की कोई ऐप बनाई हुई है, तो आप उसमें अगर आपके दिन के 100 एड लगा रहा है कोई बंदा, दिन के 100 एड लगा रहा है ना, तो आपका ये 5 GB कब तक चलना चाहिए? एक इमेज ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB की होगी, ठीक है, तो 200 KB को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 200 KB मल्टीप्लाई बाई आपका दिन में 100 एड लग रहे हैं आपके, ठीक है, तो दिन में 100 एड लग रहे हैं तो पूरे महीने के कितने हुए? 3,000, 3,000 एड लग रहे हैं, तो 6 लाख KB हुए ये, सही है, 6 लाख KB हुआ। अब ये 6 लाख KB MB में कितने बनेंगे? 2
MB 600 MB बनते हैं ये, तो पूरे महीने में जाएगा 600 MB पूरे होंगे आपके अगर रोज़ कोई 100 ऐड लगा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट तक पहुंचने में ना कि रोज़ मेरे पास 100 ऐड लग रहे हैं, इस पॉइंट पे मैं पैसे कमा रहा होता हूँ अगर इतने पे मैं पहुंच गया हूँ तो, है ना, या नहीं? इस पॉइंट पे पैसे आना शुरू हो जाते हैं। रोज़ का 100 कस्टमर बड़ी बात होती है OLX जैसी चीज़ पे, रोज़ का 100 कस्टमर, क्योंकि कुछ नहीं तो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट जो चल रही है ना उसी से इतना तो आ जाएगा कि ये पूरा हो जाएगा, ये कॉस्ट पूरी हो जाएगी। और जो प्रीमियम मैं चार्ज करूँगा कि भाई आपका ऐड ऊपर करना है नीचे करना है, वो वाले से वो अलग आ रहा होता है। तो रोज़ का अगर मेरे पास 100 कस्टमर आ रहा है ना, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि एक महीने छोड़ के एक महीने मुझे एक प्रीमियम कस्टमर लाजमी मिलेगा, ठीक है, मतलब एक महीने के गैप से मुझे एक प्रीमियम कस्टमर लाजमी मिलेगा। तो अब मैं उससे 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये अगर चार्ज कर रहा हूँ पाकिस्तानी उस कस्टमर से, तो मेरा ख्याल है कि मैं, मेरा ब्रेक इवन इस पॉइंट पे हो चुका होता है। तो पॉइंट ये है कि वो ब्रेक इवन वंस आपका हो जाता है ना अगर, और आपसे ये कह रहा है कि 6 रुपये पर GB चार्ज कर रहा हूँ, तो इज़ नॉट अ बिग डील। फिर वो ऐड आपका जो है ना एक्सपायर भी करवा देते हैं आप, सही है, वो जाहिर है हमेशा तो नहीं रहेगा वो। फेसबुक तो देखो जाइंट है ना, वो तो हमेशा के लिए रखता है, लेकिन उन्होंने भी एक सेटिंग की हुई है पीछे कि वो मेन स्ट्रीम से हटा देते हैं उसको। तो आप OLX जैसी अगर आपकी ऐप है कोई है, तो उसको आप एक्सपायर भी करवा देते हैं, ठीक है, या दराज जैसी कोई ऐप है आपकी, रोज़ अगर 100 ऐड लगा रहा है कोई दुकान वाला आके, तो ज़ाहिर है कुछ बेच भी रहा होगा वो, कुछ बिक भी रहा होगा उसका, ठीक है, तो जो बिक रहा होगा तो आपका ब्रेक इवन उसमें हो चुका होता है। तो 6 रुपये पर GB इज़ नॉट अ बिग डील, सही है। अच्छा, 6 रुपये पाकिस्तानी। स्टोरेज में तो 0.26 है ना, 0.026 पर GB है। वेल, ये कन्फर्म करना पड़ेगा, ये कैसे कन्फर्म होगा यार, इसमें गूगल क्लाउड स्टोरेज में जाते हैं, हाँ ये इनकी डिटेल्ड प्राइसिंग का पेज आ गया ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन योर बकेट स्टोरेज रेट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज क्लास ऑफ योर डेटा एंड द लोकेशन ऑफ योर बकेट। अच्छा, लोकेशन आपकी क्या है बकेट की, उस पर आपका रेट वेरी कर सकता है, वो हो सकता है 6 रुपये से भी कम हो कुछ लोकेशंस पे, तो मैं वहाँ रखवा दूँगा, ठीक है, अगर जो लो प्रायोरिटी वाला उसको मैं उधर मूव करवा दूँगा, ठीक है। प्राइसिंग टेबल में हम आ जाते हैं, ओके, अच्छा जी, ये कुछ रीजन में आप देखें 0.20 है, कुछ में 0.23 है, कुछ में 0.10 है। अच्छा, पर GB पर मंथ है, यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे इन्होंने लिखा है पर GB पर मंथ, तो 0.10 पर GB पर मंथ है ये एक्चुअली। अगर आपने 500 GB स्टोर कर दिया तो महीने के $100 देने हैं फिर आपने, ठीक है। लेकिन इसका एक हल होता है, इसका हल ये होता है कि आप आर्काइव कर देते हैं पुराना डेटा ना, जैसे जो इनके पास भी ये फैसिलिटी मौजूद है, बट इन्होंने कभी उसको मार्केट नहीं किया इस तरह से, क्योंकि इनकी शायद उतनी प्रोमिनेंट नहीं है वो वाली फैसिलिटी। जो Amazon का S3 है ना, उसके अंदर क्या होता है, हाँ सही है ना, ये है तो लिखा हुआ कोल्ड लाइन और आर्काइव। तो ये जो S3 होता है ना, इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले S1 जो सबसे फास्ट SSD लगी हुई है जिसमें, और जिसमें रखा हुआ डेटा फ़ौरन आता है उठ के, वहाँ पे वो डेटा रखा जाता है जो रिसेंटली एक्सेस किया गया है। अच्छा, कोई ऐसा डेटा है अगर जो 15 दिन से किसी ने एक्सेस नहीं किया, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको S2 पे मूव करवा देते हैं, कि इसको कोई देख नहीं रहा, ये डेटा तो है लेकिन, अच्छा S2 क्या है, थोड़ी सी स्लो हार्ड ड्राइव होती है और उस पर रखा हुआ डेटा फ़ौरन उठ के नहीं आता, सही है, तो उस पर S2 पे चला जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है S3 वालों के पास, Amazon के पास, कि जैसे ही उसको कोई एक्सेस करेगा ना अगर, तो वो ऑटोमेटिक S1 में उठ के आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कितनी दफ़ा एक्सेस करने पर, किस क्राइटेरिया पर उठ कर आया, वो हम सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बार क्लिक किया और वो फ़ौरन उठ के सामने आ जाए, ठीक है। अगर वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको ओपन कर रहे हैं, बार बार एक्सेस किया जा रहा है, तो फिर वो अल्टीमेटली वापस उठ के S1 में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, चीज़ें वो पीछे की तरफ जाती हैं। तो S2 पे फिर अगर वो हम कोई टाइम सेट कर सकते हैं कि यार एक महीने तक इसको फिर भी किसी ने एक्सेस नहीं किया, तो उसको S3 पे उठा दो, दैट इज़ कॉल्ड डीप फ्रीज, वो डीप फ्रीज में चला जाता है। अच्छा, डीप फ्रीज में अगर वंस डेटा चला जाता है, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, डीप फ्रीज में जो डेटा मौजूद होता है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप उसको एक्सेस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो वहाँ से दोबारा उसके अंदर
मतलब डी फ्रीज है ना, तो डी फ्रॉस्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो डी फ्रॉस्ट जब तक नहीं हो जाता ना, आप उसको व्यू नहीं कर सकते। वो वहाँ से उठेगा, जैसे आप फ्रिज में गोश्त रखा हो बिल्कुल पत्थर हुआ वो, सही है, तो आप उसको निकालते हैं, उसको निकाल के बाहर रखते हैं, वो डिफ्रॉस्ट होता है यानी फ्रोजन स्टेट से बाहर आता है, और फिर उस पर सफाई छटाई पकाई जो भी होती है वो होती है। तो कुछ केसेस में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप जब किसी डेटा को एक्सेस करते हैं ना, तो वो कहता है कि यार प्लीज़ वेट, तो समटाइम आपको वो बोलता है कि 10 मिनट बाद ट्राई करें, या प्लीज़ ट्राई अगेन लिखा हुआ आता रहता है और कुछ आता ही नहीं है सामने, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि वो लोडिंग बहुत देर तक लंबी चौड़ी लोडिंग लेता है, सही है, तो वो अल्टीमेटली यही हो रहा होता है कि वो डिफ्रॉस्ट हो रहा होता है, डी फ्रीज में चला जाता है, जो जो बिल्कुल थर्ड उसका लेवल है। अच्छा, थर्ड वाले में उसकी टेक्निक्स होती हैं, उसको एक्चुअली कॉम्प्रेस करके वो स्टोर करते हैं, तो वो कॉम्प्रेस जो हो जाता है तो ज़ाहिर है वो डिकॉम्प्रेस होगा फिर, तो वो डिकॉम्प्रेस होने की वजह से उसको टाइम लगता है। तो वो तीन क्लासेस होती हैं। अच्छा, इसमें फिर तीनों की ना प्राइसिंग भी अलग अलग होती है, जैसे आपको यहाँ पे देखें दिख रहा होगा कि जो आपका स्टैंडर्ड स्टोरेज है ना, वो 0.05 है, क्लास ए ऑपरेशन, और ये नियर स्टोरेज लाइन और ड्यूरेबल रिड्यूस, पता नहीं ये अवेलेबिलिटी है उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज है, तो इन सब की प्राइसेस अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये तीनों जहाँ पे भी बात आ रही है ना, स्टैंडर्ड स्टोरेज, नियर लाइन स्टोरेज, कोल्ड लाइन स्टोरेज और आर्काइव स्टोरेज, सही है, चारों की बात हो रही है। अब ये इनका डिटेल पेज है, इसको अब जब डिटेल में पढ़ोगे तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने फायरबेस से अलग कैसे है? नहीं नहीं, वो एक ही है दोनों। जब आप फायरबेस स्टोरेज में किसी चीज़ को स्टोर करते हो ना, तो एक्चुअली वो गूगल क्लाउड स्टोरेज में जा रहा होता है बैकग्राउंड में। दोनों सही है, मैंने जैसा कि बताया कि दोनों जायंट है, और इन दोनों की जो प्राइसिंग है ना, वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ही फ़र्क होती है, इतनी फ़र्क नहीं होती, यानी मार्केट रेट दोनों के सेम ही है एक्चुअली। वेल, अभी इसकी प्राइसिंग में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल के लिए, फ़िलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं। ये किसकी सिंपल सी प्राइसिंग है, तो आप इनमें से कोई सा भी यूज़ करेंगे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक सिचुएशन में फ़र्क पड़ सकता है कि आपका सर्वर अगर गूगल पे होस्ट हुआ है ना, और आप गूगल से लेते हैं स्टोरेज, तो कम्युनिकेशन थोड़ी फास्ट होती है, और GRPC भी लगा सकते हैं उसमें। अब GRPC एक प्रोटोकॉल होता है जो HTTP के भी बाद आया है, सही है, HTTP जैसे प्रोटोकॉल है ना, अभी हम API कॉल करते हैं तो सर्वर पे जाते हैं, तो अब उस पर आप GRPC लगा सकते हैं। GRPC क्या होता है, क्योंकि गूगल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गूगल के ही किसी मशीन पर आपका सर्वर भी होस्ट है, और गूगल की ही उसी सेम नेटवर्क की किसी मशीन पर ही स्टोरेज भी होस्ट है आपका, तो बजाय इसके कि आप वहाँ से HTTP रिक्वेस्ट करेंगे, पहले इंटरनेट पे जाए सर 10 जगह से घूम के स्टोरेज पे पहुँचे, आप बोलते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करो, मतलब लोकल नेटवर्क पे, गूगल के सर्वर के अंदर लोकल नेटवर्क पे चलाओ कहानी, तो दैट इज़ कॉल्ड GRPC, सही है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो जाती है GRPC होने की वजह से, तो वो आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आपने वो नहीं लगाना तो आप HTTP रिक्वेस्ट करेंगे तो भी फास्ट होगा, सेम जगह पे होगा ना तो फास्ट होगा वो, कि भाई आपका सर्वर भी गूगल पे और ये स्टोरेज भी गूगल पे है, तो वो इंटरनेट पे भी अगर आप जाएंगे रिक्वेस्ट लेके, तो अल्टीमेटली उसको पता चल जाता है ना कि जाने और आने का रास्ता क्या है, तो वो करीब ही होगा, क्योंकि वो लोकेशन एक ही है ना दोनों, क्योंकि लोकेशन पे डिपेंड करता है रिस्पॉन्स टाइम हमारा, तो भी वो करीब करीब ही होगा। तो और अगर आपने क्या कर दिया कि अपना सर्वर आपने होस्ट कर दिया Amazon पे, और फिर अपनी स्टोरेज आप करवा रहे हो गूगल पे, तो ये शायद कुछ मुनासिब नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे या प्रोटोटाइपिंग के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि टेयर जितने बढ़ते हैं ना, तो उतना रिस्पांस टाइम ख़राब होता चला जाता है। फिर मिसाल के तौर पे डेटाबेस आपने कहीं और MongoDB Atlas पे किया हुआ है, सही है, तो ये एक मसला है। अभी हमारे तीन टेयर हो गए, यानी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट निकलेगी सर्वर पे जाएगी, सर्वर से रिक्वेस्ट निकलेगी डेटाबेस में जाएगी, तो आइडियल केस ये होगा तीनों एक जगह पर हो, MongoDB भी अगर होस्ट हुआ है तो वो गूगल पे ही होस्ट हुआ हो, सर्वर भी गूगल पे हो और फ्रंट एंड भी गूगल पे हो, तीनों चीज़ें गूगल पे हो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट रहती है। छोटी मोटी एप्लीकेशन में आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ट्रैफिक आएगी, जैसे आपका लोड बढ़ेगा, तो फिर आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू होती हैं कि अच्छा यार ये मसला है, ठीक है। शुरू में अभी तो अभी कुछ भी नहीं पता चलेगा, इतनी छोटी एप्लीकेशन जो हमने बनाई है ना, इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा,
जो मर्जी करते रहो वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, रिएक्ट इतना लाइट वेट हो चुका है कि वो पता नहीं चलने देता आपको। MongoDB का डेटाबेस इतना लाइट वेट हो चुका है कि आप उससे जो है ना, मतलब 5000 रिकॉर्ड भी मंगवाऊंगा ना अभी मैं ट्वीट का, तो ठक करके आ जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ, सेट हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जब लोड ज़्यादा आएगा ना, वही 500 ट्वीट की रिक्वेस्ट जब 1000 लोग मिलके मारेंगे, तो मुझे डेटाबेस के जो यूजेज है, जाहिर है उस पर ग्राफ दिखेगा कि डेटाबेस पर रीड राइट के ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, और फिर वो मुझे बिल भी बताएगा कि बच्चा आपका इतना बिल हो गया डेटाबेस का, तो फिर मैं बोलूँगा अरे यार इसका कुछ करना चाहिए अभी। सही है, चलो तो आज को हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।